गुड मॉर्निंग numerical क्लास on so, one वी विल डू are प्रॉब्लम given ऑन पेज नंबर सिक्सटीन तो बच्चे जो लॉज ऑफ़ रिफ्लेक्शन हमने किया है एक बार रिव्यू ले लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है जब भी कोई polished surface है polished surface मतलब जिसके पीछे पॉलिश किया हुआ है जैसे mirror है ठीक है मिरर की बैक साइड देखना वो पॉलिश की होती है ठीक है कोई पॉलिश सरफेस है उस पर लाइट इंसिडेंट करती है तो वो वा वापस मुड़ जाती है इस सरफेस से स्ट्राइक करके वापस मुड़ जाती है ठीक है ये है इंसिडेंट रे ये है रिफ्लेक्टेड रे ठीक है अब इस लाइन इस मिरर के बिल्कुल हम बिल्कुल 90 डिग्री पे एक लाइन जो प्लॉट करते हैं दैट इज नॉर्मल ठीक है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि जो यहाँ पे नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने बनाया है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के नॉर्मल ने जो इंसिडेंट पे एंगल बनाया है वो वाला और जो नॉर्मल ने रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रे पे एंगल बनाया है वो ये दोनों एंगल्स क्या है इक्वल है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है फर्स्ट लॉ ठीक है उसी पे बेस्ड दोनों मेरिकल्स हैं फर्स्ट मेरिकल में क्या लिखा है अ रे इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर ठीक है एक प्लेन मिरर है ठीक है उस उसपे रे क्या है इंसिडेंट की है ये मैंने नॉर्मल पहले ही बना दिया ठीक है नॉर्मल बिल्कुल परपेंडिकुलर बनाते हैं इसके ऊपर ठीक है अब क्या है एक इंसिडेंट रे आई है वो इससे टकरा गई ठीक है एंड इंसिडेंट रे रे इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर मेक्स एन एंगल ऑफ इंसिडेंट सिक्सटी डिग्री ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ये कितना बना है सिक्सटी डिग्री कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे टकराई फिर वापस आएगी ना तो ये वाला एंगल जो है वो अपने काउंट करना है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वली होते हैं ठीक है अगर दोनों इक्वल है अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस उन्होंने क्वेश्चन में सिक्सटी दिया है तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या आएगा सिक्सटी आएगा सीधा ही आपका आंसर ये सिक्सटी आ जाना है ठीक है इन सेकेंड न्यूमेरिकल आर लाइट रे फॉल्स ऑन अ प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल फिफ्टी डिग्री विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ठीक है ये जो प्लेन मिरर है ना इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ये वाला सरफेस तो इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे ठीक है ये मैंने नॉर्मल भी प्लॉट कर दिया पहले ही नॉर्मल तो पहले ही सीधा ही प्लॉट कर लो ठीक है अब क्या बोल रहा है कि रे जो आई है वो इंसिडेंट की है यहाँ पे अगर टकराएगी तो वापस भी जाएगी ठीक है अब उसने क्या बोला है जब राइट आके टकराई है तो उसने फिफ्टी डिग्री एंगल बनाया है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ ठीक है, रिफ्लेक्टिंग इंसिडेंट रे ने रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ एंगल बनाया, ये वाला एंगल उसने कितना बनाया है ठीक है? है, पहले हमें अगर उसने, अगल उसने, अगल उसने दिया था, तो एंगल अंदर वाला होता है। लेकिन इसने क्या बोला है कि जो इंसिडेंट रे है वो मिरर के साथ एंगल बना रही है तो ये एंगल कितना आ गया फिफ्टी डिग्री ये एंगल कितना ये एंगल बोल रहे हैं कि एंगल ये कितना होगा और ये कितना होगा ठीक है हमें ये भी नहीं पता ये भी नहीं पता एक इसकी वैल्यू निकाल लें अगर हम आई की वैल्यू निकाल लें एंगल तो आई की और आर दोनों इक्वल ही होते हैं तो दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी तो मुझे ये वाला एंगल निकालना है ठीक है ये गिवन है अब देखो जो मिरर होता है ना सरफेस और उस पर जो मैं नॉर्मल प्लॉट करती हूँ ये वाला नॉर्मल या ये वाला नॉर्मल वो कितने डिग्री के एंगल पे होते हैं नाइन्टी डिग्री पे होते हैं ठीक है नॉर्मल जो बनाया है और जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है उनके बीच में एंगल क्या बनता है नाइन्टी डिग्री नॉर्मल का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर मतलब लाइन जो नाइन्टी डिग्री पे है ठीक है तो ये इसमें और इसमें एंगल जो बना है टोटल इस लाइन में और इस लाइन में जो एंगल टोटल बना है दैट इज नाइन्टी डिग्री अगर ये पूरा नाइन्टी है तो इसमें ये फिफ्टी है तो बाकी कितना होगा एक पूरी लाइन है उसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ये फिफ्टी है टोटल नाइन्टी है ठीक है टोटल नाइन्टी है उसका आधा हिस्सा फिफ्टी है दूसरा हिस्सा कितना होगा ठीक है मैं दूसरे हिस्से को एक्स ले लूंगी दोनों को ए, इसको और इसको ऐड करके टोटल बन रहा है ना तो टोटल तो नाइन्टी है ना नॉर्मल है पर पेंडिकुलर है तो नाइन्टी है ठीक है ये आधा एंगल दिया है उसने फिफ्टी और आधा हमने फाइंड करना है ठीक है उसको मैंने एक्स मान लिया तो अगर मैं एक्स की वैल्यू वैल्य निकालूंगी नाइन्टी डिग्री 50 को उधर ले जाऊंगी तो प्लस का था उधर जाके माइनस हो गया 90 माइनस फिफ्टी फोर्टी डिग्री तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो मैंने आई लिया था उसकी वैल्यू कितनी आ गई 40 अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 40 होगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्व टू एंगल आर तो उससे हमने फाइंड कर लिया कि आई एंगल फोर्टी है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना है फोर्टी है ये दोनों जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो फर्स्ट लॉ है एंगल आईज इक्स टू एंगल आर इस पे बेस्ड है ठीक है और ये याद रखना है कि जो प्लेन मिरर के ऊपर ये हम नॉर्मल बनाते हैं ना उसका प्लेन मिरर के साथ कितना एंगल बनता है नाइन्टी डिग्री ठीक है बस यही है इन दोनों पर ही बेस्ड है प्लीज़ रिवाइज दिन मेरिकल बाय योर और जो पिछली असाइनमेंट वन है उसको भी लर्न करना है